सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, तो मेरे सलामी बहन भराओ लोग, दोस्तों तो मेरे जरा तुम बार बार फोन कर, बाबा साड़ी बंदिश नहीं टूट सकती, बंदिश मुसीबत परेशानी बहुत जल्द चंद दिन दूर करन दा अमल दा दसा लगा जी। चाहे तुहाडा पहले दिन बंदिश मुसीबत टल जाएगी, या तीन दिन या सत दिन दे विच विच इंशाअल्लाह ताला चाहे तुहाडी हर किस्म दी बंदिश हर किस्म दी मुसीबत दूर होएगी। इन तुसीं पढ़ना है तीन दिन या सत दिन, पहले दिन भी तुहाडी दूर हो सकती है, यह तुहानूं दसदा ठीक है। तो पढ़ना किन्ना, सुबह की नमाज पढ़ के नमाज पढ़न तो पहले पढ़ो तो फिर क्या ही बात है। अगर तुम सुबह दी सुन्नतां अदा करके उहदे विच फर्ज़ां दरम्यान पढ़ोगे तो फिर बहुत ही असर ज़्यादा होंदा है। लेकिन अगर जिस तरह तुहाडे कोल टाइम इशा तो बाद टाइम है, इशा तो बाद पढ़ सकते हो। जे तुहाडे कोल टाइम है तहज्जुद दा, तहज्जुद टाइम पढ़ोगे तो होर बहुत फायदा होएगा। जिहड़ा भी टाइम तुहानूं मिलदा है ना मेरे दोस्तों, मेरे भैन भराओ, तुसीं उस टाइम पढ़ो। लेकिन टाइम टिक रख के पढ़ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा असर होएगा। घट तो घट 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ो, जेड़ा भी तुहानूं याद है, जेड़ा भी तुहानूं दुरूशी याद है तुसीं उन पढ़ो। क्या पढ़ो? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जेड़ा भी सानूं याद है ना तुसीं वह 7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ो। और उस तो बाद 1000 दफ़ा पढ़ना तुसीं, जेड़ा तुहानूं मैं दस लगा 1000 दफ़ा, बहुत जल्द तुहाडी मुश्किल तुहाडी परेशानी तुहाडी बंदिश टुट जाएगी। अगर तुसीं पढ़ोगे जिस तरह तुहानूं कह रहा तुहाडी बहुत जल्द बंदिश खत्म हो जाएगी। पहले दिन भी हो सकती है, तीन दिन या सात दिन, इन तुसीं पढ़ो। तो पढ़ना तुसीं की है? पढ़ना है या बदियो अजायब है बिल खैर है, या बदियो पढ़ना है, या बदियो अजायब है बिल खैर है या बदियो। इनू 1000 दफ़ा अगे पिछे 11 दफ़ा दूसरी पढ़ के लो दोस्तों, तुम तीन दिन या सात दिन पढ़ के तुसी फिर इंशाल्लाह बाबे नूं दुआवां दोगे और तुसी याद करोगे। लो फिर दोस्तों इनू तुसी पढ़ो, अमल करो और इस वीडियो सब्सक्राइब भी करो और लाइक करो, शेयर भी करो। लो फिर अस्सलामु अलैकुम।